है, टीम को सपोर्ट करना है ना। बाकी की 1 घंटे में आप क्या करेंगे, आपकी डायरी वगैरह मेंटेन करो, और जो कुछ चीजें है आपकी लिस्ट मेकिंग मैं आगे बताने वाली हूँ, तो लिस्ट मेकिंग बनाओ आप। तो उस 4 घंटों में आप जो कुछ करना है गूगल सखी का पूरा करो, पोस्ट डालो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे, आप सभी जो सोशल मीडिया का जो जो प्लेटफॉर्म है सभी का आप यूज करो गूगल सखी के लिए। ओके, आपको इंक्वायरी आ जाएगी। इंक्वायरी आने के बाद आपको क्या करना है, फेसबुक पे आप एड डालते हैं तो बहुत सारे यहाँ सखिया मेरी गलती करती है कि डायरेक्टली लिंक भेजती है फेसबुक पे। तो उस जो आप जो लिंक भेजते हैं ना, तो लिंक में सर्च का नंबर रहता है नीचे, आप देख सकते हैं। तो वो लेडीज क्या करती है, वो लिंक ज्वाइन करती है, और ज्वाइन करने के बाद आपका तो नंबर नहीं रहता उधर, एक नंबर रहता है, उनको क्या मालूम ये सर जी का है क्या आपका है। डायरेक्टली सर जी को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद क्या होता है कि वो जो महिला है उसके लिए आपने जो एफर्ट्स लिए है, वो महिला डायरेक्टली सर जी से कनेक्ट होती है, आपसे उनकी कुछ पहचान रहती ही नहीं। तो वो क्या बताएगी, मुझे नंबर सर, देखिए लेडीज बता मिली, तो ऐसी गलतियां मत करिए, आपका नंबर आप दीजिए, दे दीजिएगा उधर, और लिंक डायरेक्टली मत भेजो। सिर्फ आपको बताना है कि गूगल से कि आप कौन सी जिले में है मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, उनको व्हाट्सएप में ले लो, थोड़ा सा रिलेशन बनाओ। अभी कल सर जी ने बताया कि रिलेशन मेंटेन, टेलीकॉलिंग के लिए रिलेशन बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप डायरेक्ट आप बताने जाएंगी, चलो ये लिंक ओपन करो मैडम, ज्वाइन हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो, इतना है, वो नहीं करने वाली। पहले उनके बारे में आप जानकारी ले लो कि वो मैम क्या करती है, पहले कुछ जॉब किया है क्या, कुछ एक्सपीरियंस है क्या, अभी छोटे बच्चे हैं क्या, मैम गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैम आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ उसका एजुकेशन नहीं है, थोड़ा सा जान लो ना। आपको जानना है कि उसका क्या है बैकग्राउंड, और उस हिसाब से आपको उनको बोलना है ना। अब गवर्नमेंट जॉब करने वाली रहेगी, उसको 50-60 हज़ार पगार रहेगा, और आप बोले कि नहीं मैडम इधर इधर 25 हज़ार है ना, तो थोड़ा सा ये होता है। तो आपको क्या बोलना है उस हिसाब से आपको वहां बताना है कि उनकी नीड क्या है, आपको उस उनके नीड के बारे में सोचना है, नीड के बारे में सोचना है। और उसके बाद क्या करना है कि अभी उनके छोटे बच्चे हैं लेकिन एजुकेशन अच्छा है, मैम बोलते अच्छी है, तो उनको बताना है कि मैम आपको छोटे बच्चे हैं फिर भी आप ये गूगल सके आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आपको कुछ इधर टारगेट नहीं है, आपको ऐसा लगा चलो 2 दिन आपको मीटिंग अटेंड करने में टाइम नहीं मिलेगा तो भी मैम चलेगा। आप बोलेंगी कि वो बोलेगी मैडम रिकॉर्डिंग सेशन, हाँ मैडम रिकॉर्डिंग सेशन है लेकिन आपको कम से कम 2 वीक के लिए आपको लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा, 2 की मीटिंग अटेंड करो। 2 की मीटिंग क्यों अटेंड करनी है, क्योंकि हमें हम नए हैं, अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट क्या है। आपको कॉल आएगा सामने से, मैम बताइए प्रोजेक्ट नंबर 5 में क्या है, तो आप क्या बोलेगी, अरे मैं कल तो जुड़ी हूँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वो जुड़ेगी आपके साथ, बिल्कुल नहीं जुड़ने वाली आपका, वहीं पे आपका क्या होता है पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा है ना। तो आपको क्या करना है, आप कल भी जुड़ी होंगी आज भी जुड़ी होंगी लेकिन वो जो सामने वाली है उसकी क्या अपेक्षा रहती है कि अरे मैम से मैं जुड़ूंगी, मैम से मुझे बहुत सारा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और वो भी